प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि के शव का पोस्टमार्टम हुआ पूरा। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। दोपहर 12 बजे दी जाएगी भू समाधि। प्रयागराज में आज दोपहर 12 बजे दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरि को भू समाधि। श्री बागमरी मठ में ही दी जाएगी भू समाधि। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की आज बैठक। बैठक में चुना जाएगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष। बलबीर गिरि होंगे महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी। महंत ने अपनी वसीयत में बलबीर गिरि को घोषित किया है उत्तराधिकारी। महंत नरेंद्र गिरि के स्काई नोट पर सुलगते सवाल। दो रंग की स्याही का इस्तेमाल, दो तारीखें लिखी हुई। महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में एक और खुलासा। पुलिस पूछताछ में शिष्य आनंद गिरि ने बताया दुकान बेचने को लेकर दोनों में थी अनबन। महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में मटके 11 लोगों की तलाश। पुलिस की 4 टीमें दे रही दबिश। मामले की पड़ताल के लिए 18 सदस्य एसआईटी का गठन। जी मीडिया के पास महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड नोट की एक्सक्लूसिव कॉपी। शिष्य आनंद गिरि को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। महंत नरेंद्र गिरि ने 8 पेजों के सुसाइड नोट में लिखा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मेरी मौत के लिए आनंद आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जिम्मेदार। सुसाइड लेटर में महंत नरेंद्र गिरि ने लिखा मैं आनंद गिरि के कारण बहुत परेशान हो चुका हूं। किसी महिला के साथ मेरी आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने की दे रहा है धमकी। सुसाइड लेटर में नरेंद्र गिरि ने लिखा मैं बदनामी के साथ कैसे जी पाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। प्रयागराज पुलिस मेरी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरि को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिपाही अजय सिंह को लिया गया हिरासत में। महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में गिरफ्तार आनंद गिरि से पूछताछ में बड़ा खुलासा। संपत्ति को लेकर था विवाद। पुलिस ने आनंद गिरि का मोबाइल फोन जब्त किया। आज कोर्ट में पेशी। महंत संदिग्ध मौत मामले में एसपी के बड़े नेता से प्रयागराज में पुलिस की पूछताछ। एसपी नेता और आद्या तिवारी से आमने सामने बैठा कर पूछताछ। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि को यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी ने भी दी श्रद्धांजलि। महंत मौत मामले में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का बयान। कहा नरेंद्र गिरि की हत्या की गई, यूपी में संतों के खिलाफ रचा जा रहा है षड्यंत्र। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के निधन के बाद किन्नर अखाड़े में भी शोक की लहर। किन्नर अखाड़े ने की सीबीआई जांच की मांग। महंत नरेंद्र गिरि के निधन के बाद जी मीडिया की टीम पहुंची उनके गांव। परिजनों ने संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग। ओम प्रकाश राजभर ने जी मीडिया से की खास बातचीत। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत पर जांच की मांग करते हुए जताया दुख। महंत नरेंद्र गिरि की मौत को लेकर वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई पिटीशन। हाईकोर्ट से वकीलों ने की सीबीआई जांच की मांग। महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर सियासत गरमाई। शिवसेना ने नरेंद्र गिरि की मौत की तुलना पालघर में साधुओं की लिंचिंग से की है। महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला। कहा योगी राज में संत भी सुरक्षित नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 2 बड़ी कंपनियों के बीच समझौता। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के बीच विलय को मिली मंजूरी। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। मंजूरी के बाद जी एंटरटेनमेंट का हिस्सा 47.07% और सोनी पिक्चर्स 52.93% होगा। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ का निवेश करेगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलीजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका के शीर्ष सीईओ से भी मिलेंगे पीएम। 24 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन की वॉशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, निवेश और सुरक्षा के मुद्दे पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बातचीत। आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच होगा संवाद। 24 सितंबर को ही क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड समूह की बैठक भी करेंगे मेजबानी। 25 सितंबर को होगा यूएनजीए में पीएम मोदी का भाषण। भारत की स्थायी सदस्यता की भी करेंगे मांग।